Brought to you by टेक्नो स्पार्क 20 सीरीज स्मार्टफोन्स। अभी हम दिल्ली के संगम विहार इलाके में हैं, जहां पर दक्षिणी दिल्ली से आम आदमी पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार शाहीराम के द्वारा पदयात्रा की जा रही है। अभी हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं पदयात्रा जारी है और इस कदर जो है ढोल नगारे बजाए जा रहे हैं और लगातार वो पदयात्रा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। हम देखते हुए ढोल नगारे बजा रहे हैं तो वो लगातार जो है वो समय यात्रा कर रहे हैं और लगातार जो है लोगों से मिलते हुए और बात करते हुए चल रहे हैं। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। और सहीराम जो है वो कर रहे हैं, हमसे बात करते हुए चलेंगे। सहीराम जी, आप आज पदयात्रा करते हुए चल रहे हैं, क्या कहेंगे? चलते चलिए। देखिए, जनता के अंदर अरविंद जी को जेल जाने के बाद इतना गुस्सा है, इतना रोष है। वो कहते हैं कि अब हमसे सीधा पूछते हैं कि अरविंद जी कब तक बाहर आएंगे। देख सकते हैं लोगों से मिलते हुए चल रहे हैं, लोग इनको फूल माला से स्वागत कर रहे हैं और लगातार ये सिलसिला चल रहा है। और संगम विहार में इनकी ये पदयात्रा चल रही है, लोगों से मिल रहे हैं और लोगों जो मिल रहे हैं उनकी स्वागत कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं और लगातार जो है वो लोगों से वोट मांग रहे हैं। और ये प्रक्रिया लगातार चल रही है, लोग इनका सम्मान कर रहे हैं जगह जगह और जगह जगह घूम कर अपनी पदयात्रा। देख सकते हैं, क्या कहेंगे आप? जिस तरीके से आपको समर्थन मिल रहा है, मैंने बताया ना, अरविंद केजरीवाल जी को जब से जेल में गए हैं, हर आदमी को ये महसूस हो गया है कि एक षड्यंत्र के तहत सरकार को गिराया जा सकता है, राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। जो अब तक सुविधाएं मिल रही थी, एलजी महोदय कहते थे कि जेल से सरकार नहीं चल सकती, अब वो एलजी महोदय कह रहे हैं कि नहीं, जो सुविधा है वो बरकरार रहेगी, चालू रहेगी। इसका मतलब जेल से सरकार चल सकती है। तो लोगों में काफ़ी रोष आपके सामने। आप लगातार जा रहे हैं, लोगों के बीच अलग अलग विधानसभा में घूम रहे हैं, किस तरीके से समर्थन है और किन किन मुद्दों को आप उठा रहे हैं? देखिए, ये मैं नहीं कहूँगा कि आप पीछे मुड़ के अपने कैमरे को घुमाइए, पीछे कैमरे को घुमाइए, वो बता देगी, जनता आपको बता देगी। आप खुद विधायक रहे हैं, आपका भी एक विकास का मॉडल रहा है, आपने भी जनता की सेवा, उन चीज़ों को भी आप प्रस्तुत कर रहे हैं लोगों के लिए। बिल्कुल करेंगे। अगर हमने किया है तो हमें लोग वोट दें, नहीं किया तो ना दें। और राष्ट्रपति शासन की जो आपने बात की, तो आप लोगों को क्या लगता है? कई नेताओं ने इस बात को उठा लिया। देखिए, अभी राजकुमार आनंद का आपके सामने, राजकुमार आनंद जी का आपके सामने है, किस तरह से 23 घंटे उनके घर में CBI ईडी घुसी रही है और उन्हें लास्ट में इस्तीफा देना पड़ा। तो ये कुछ भी कर सकते हैं। जगह जगह उनका स्वागत किया जा रहा है, लोग उनसे मिल रहे हैं और लोग जो है लगातार जो है उनके साथ हैं और उनका वही कहना है कि जो राष्ट्रपति शासन लगाने के साथ और लगातार लोगों से मिल रहे हैं। कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे और कहेंगे कि उनका क्या कहना है। आप देख सकते हैं, जो लगातार जो रैली है, पदयात्रा है, वो लगातार घूम रही है, लोगों के घरों में वो पहुंच रहे हैं, वो लगातार लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और उनसे बातें कर रहे हैं। काफ़ी हुजूम है, लोगों से मिल रहे हैं एक एक करके जो हैं। और यहाँ इनके साथ विधायक भी हैं। जो जी, क्या कहेंगे? देख रहे हैं, जो लोगों में जो देखने को मिल रहा है, हाँ, वो दिखा रहा है कि ये सीट जो है वो इंडिया गठबंधन जा रहा है। जो आपका जो विधान संगम विहार, उसमें आज चल रही है, आप खुद कितना संगम विहार की बात करें तो कितना उत्साह है? देखिए, अब आप लोगों को देख ही रहे हैं, मेरे कहने से तो होगा नहीं है, हाँ। मीडिया कैमरा और आपकी नज़र देखेगी किस तरीके से लोग उत्साहित हैं। सहीराम जी पदयात्रा कर रहे हैं, हाँ। और निश्चित तौर पर इसमें जीत सुनिश्चित हो रही है। किन किन मुद्दों को लेकर के आप लोग जा रहे हैं, क्या उठा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा जो आज लोगों के है, हाँ, ये है कि अरविंद केजरीवाल जी को जिस तरीके से अरेस्ट किया गया है, हाँ, और लोगों में इस बात को लेकर काफ़ी गुस्सा है कि जिस उनके जीवन को काम किया। आप संगम विहार की स्थिति देख रहे हैं, जो यहाँ पर आज रोड आए हैं, पानी दिया है, बिजली दी है, को आप झूठे इल्जाम लगा के बंद कर दे रहे हैं। मुझे लगता है कि लोकतंत्र से बड़ी हत्या नहीं हो सकती। बारिश के महीने में, बारिश के दिनों में हत्या नहीं करते थे लोग, के रिश्तेदार आएंगे, किस कहाँ से आएंगे, किस, लेकिन सरकार अरविंद जी के नेतृत्व में, मोहनिया जी ने, राजनीति ने, जो जो विकास यहाँ किया है उसके दम पे यहाँ एक एक वोट मिलेगी। देख सकते हैं मिल रहे हैं पदयात्रा, क्या इतना समर्थन मिल रहा है? पूरा समर्थन मिल रहा है, 100% समर्थन है और समर्थन है। 6-6 फीट गड्ढे भर दिए तो काम को वोट मिलेगी। पानी, बिजली, यहाँ सड़क कॉलोनी में तो काम पे वोट मिलेगा। हम काम करते हैं, काम पे वोट मिलेगा। आप देख सकते सभी नेता जो में हैं संगम विहार के और समर्थक हैं और लगातार पदयात्रा हो रही है संगम विहार में और जो है काफी समर्थन मिल रहा है। इन लोगों का दावा है कि जो जनता का है वो काफ़ी समर्थन आम आदमी पार्टी को मिल रहा है। जो मुख्यमंत्री जेल गए हैं उसका भी असर है और लोग जेल का जवाब वोट से देंगे। आशोष कुमार, दिल्ली तक।